मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं, तो उस वक्त इधर मुंह वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं हमारे उसूलों के लिए। हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़का रहे हैं, हमेशा लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में चंद सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट उसको उत्तर नहीं दी, 147 लोगों को, 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया। ये अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम लड़े, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि सबको बाहर डाल के वो पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। सबको बाहर रख के वो अपना काम करना चाहते हैं, कानून पास कर लेना चाहते हैं। एक डिक्टेटर एटीट्यूड यह हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो भी इलेक्ट होके आए, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी, मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो खुद आए यहाँ पर, लोगों से मिले, लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए नहीं आए? अरे वो समुन्द्र के बाहर फिरते हैं, समुन्द्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते? आज अब तो जप मार रहे हैं उन्होंने, राम नाम सत्य है, इसका करने दो पाप बिचारे को, जितने भी पाप किए हैं वो धो के जाने के लिए होने दो। लेकिन हमारी जो ये काम है, राहुल जी जो कर रहे हैं, ये मणिपुर के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए और दुख और दर्द के लिए उन्होंने आए, और फिर यहीं से अपनी यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा।